हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी तो कुछ लोगों ने सवाल किया था कि सर, वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को अगर हम ऐप में कन्वर्ट करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे। यानी किराना स्टोर क्या, अगर आप शॉप है, ग्रोसरी की शॉप है और उस शॉप को आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं ऐप की शक्ल में, तो कैसे करेंगे। वेबसाइट है उसको किस तरीके से ऐप में कन्वर्ट करेंगे, वो भी 5 मिनट के अंदर। जी हाँ, आपने सही सुना है, विद इन 5 मिनट के अंदर अंदर हमें बना के दिखाएंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत है, और ये विद इन जो है 5 मिनट के अंदर अंदर आपका ऐप बिल्कुल रेडी। विद इन इन्होंने लिखा है कि सर, या इसमें क्या कोई ऐसे प्लगइन्स हो जिसके थ्रू के वर्डप्रेस से वेबसाइट एप्लीकेशन हम बना लें, कि एंड्रॉयड के ऐप बना लें यूजिंग ड्रैग ड्रॉप एंड ड्रैग करके। जी हाँ, तो भाई मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, या जो भी है, या मैं इनसे यही कहूँगा कि आपको ड्रॉप ड्रैग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि वो आप वर्डप्रेस के प्लगइन के थ्रू अगर बनाते, वर्डप्रेस की जो ऐप है उसको प्लगइन के थ्रू बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे एरर आते हैं। बट आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जिस मेथड के तहत बहुत अच्छे अच्छे ऐप यूज़ किए गए हैं। जैसे ये वाली वेबसाइट है, इस वाली वेबसाइट को आप देखिए कितना खूबसूरत सा है। इसका ऐप देखेंगे अगर, ये मोबाइल ऐप है, इसका जो लेआउट है बहुत खूबसूरत सा लेआउट है। आप इसको देखें, ये वर्डप्रेस ही के बनी हुई वेबसाइट्स हैं। हाँ, जो थीम का जो यूज़ है वो बहुत अच्छा थीम है, और जो इसके बारे में पूरी एक फुल वीडियो मैंने बना रखी है, इसमें कई वीडियो इसके बना रखी हमने। आप वहाँ से जाके हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसको फुल डिटेल अगर आप देखना हो, आप यहाँ पे के वीडियो आपको मिल जाएगा। ये वीडियो के है, ठीक है, कि ग्रोसरी किस तरह से बनाएंगे, नहीं फुल वीडियो है, ठीक है। यहाँ पे जो हम जो दिखाने वाले हैं वो चीज़ बताने वाले हैं कि आप वर्डप्रेस की जो वो है वेबसाइट है उसको किस तरीके से ऐप में कन्वर्ट करेंगे, वो भी 5 मिनट के अंदर। देखिए कितना खूबसूरत सा है। इस तरह के लेआउट अगर आपको बनाना हो तो अपने किराना मार्ट के, अगर स्टोर है आपके किराना मार्ट के, अगर ऑनलाइन के वर्डप्रेस में आप अपनी वेबसाइट बनाए हैं, उसको आप चाहते हैं कि आप उसको चेंज करें ऐप की शक्ल में, ताकि वो प्ले स्टोर में पब्लिश हो। तो हमारा टाइम अभी शुरू हो चुका है, 4:17 हो गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे काम अब स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले गूगल ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम ओपन करते हैं एंड्रॉयड ऐप क्रिएटर। ये आपकी वेबसाइट, ये आपको वेबसाइट मिल जाएगा, ये आप यहाँ से वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पे बहुत से एप्लीकेशन इससे बने हुए हैं, मैंने ऑलरेडी 200+ एप्लीकेशन इसी से बनाए हुए हैं लगभग, जो कस्टमर के लिए बनाए, कुछ अपने भी हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे लॉग इन करना है या फिर आपको साइन अप करना है। तो जी हाँ, मेरे पास इसमें ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं इसको अपना अकाउंट डालता हूँ, अपना मेल आईडी डालूंगा, और मेल आईडी डाल के मैं इसको लॉग इन कर लूंगा। और लॉग इन करने के बाद सिर्फ 4 स्टेप करनी है आपको, आप गिन के रखिए, सिर्फ 4 स्टेप करनी है, आपका ऐप बिल्कुल रेडी। हाँ, आप उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, चैट का सिस्टम रखना चाहते हैं, आप उसमें क्या नाम है, कन्वर्सेशन का रखना चाहते हैं, वीडियो का रखना चाहते हैं, आप कस्टमर को इंगेज करना चाहते हैं, आप उस तरह बहुत सारी चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। तो इसका देखें, बहुत सारे मैंने एप्लीकेशन इसमें बना रखे हैं ऑलरेडी, इसे बहुत सारे प्ले स्टोर में डला हुआ है। तो हम सबसे पहले चलते हैं क्रिएट ऐप। इसके बाद यहाँ पर आपको डालना है ऐप का नाम, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ किराना स्टोर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चूज़ करना ऐप का आइकन चूज़ करना है, तो आपके पास अगर बना हुआ तो वो चूज़ कीजिए, ना दूसरा यहाँ गैलरी से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ गैलरी से ही ले लेता हूँ अभी फ़िलहाल के तौर पर, क्योंकि अभी मैंने इसके लिए बनाया नहीं था। तो आप अगर बनाए हैं तो आप वो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज में आपको चाहिए, हिंदी, उर्दू, अरबिक, इंग्लिश, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश में रखता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर कहाँ पर है ये, तो मैं अपने एरिया भी डाल सकते हैं, लोकेशन भी डाल सकते हैं इस पर, तो मैं यहाँ पर दिल्ली डाल दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इसके बारे में लिख दूंगा थोड़ा बहुत, ये क्या चीज़ है, कि दिस इज माय किराना स्टोर, ठीक है। इसका पूरा डिटेल लिख दीजिए पूरा, मैं यहाँ पे से सैंपल के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आ गया, ठीक है। एक स्टेप यहाँ पर आपको हो गया कि आपने ऐप का नाम वगैरह ये सब चीज़ें डाल दिए। अब उसके बाद आपको कलर चूज करना है, किस टाइप के कलर आपको रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कोई भी कलर चूज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। उसके बाद आपको तीसरा स्टेप जाना है कि आपको यहाँ पे वेब पेज, वेब ऐप चूज करना है, क्या चूज करना, वेब ऐप चूज करना है, ठीक है। तीसरे इसमें क्लिक कीजिए, और आपका जो ये जो लिंक था, वेबसाइट का जो लिंक था, आप इस वेबसाइट के लिंक को कॉपी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिए, जो भी नाम है इसमें, तो मैंने कह इसमें यहाँ पे मैं किराना स्टोर देता हूँ, किराना स्टोर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिंक दे दिया, और उसके बाद इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। ये टोटल स्टेप जो अभी सिर्फ और सिर्फ कितने हुए,
तीन हुए, जी हाँ सिर्फ तीन हुए, याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे जाकर देखते हैं कि ये आपका पूरा ऐप का ये लिंक दे दिया, आप इस ऐप को आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं इजी तरीके से, ठीक है। तो चलिए मैं इसको ऐप को डाउनलोड करके देख लेता हूँ। ये ऐप बिल्कुल रेडी है, सिर्फ चार स्टेप में आपका रेडी हो गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐप रेडी है, आप मैं ऐप इसको देखता हूँ। तो हमारा टाइम देखिए कि हमने 4:17 में शुरू किया था और 4:22 में आपका ये डन, जी हाँ 4:22 में ये डन। तो अब हम चलते हैं ऐप की तरफ और हम देखते हैं कि इसमें ऐप में, तो जी हाँ मैं अभी मोबाइल में आ चुका हूँ। मैं मोबाइल में स्काइप में मैंने शेयर किया था, तो स्काइप में शेयर करके मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। हमारे ये स्काइप है और वो लिंक मैंने जो शेयर किया था वहाँ पे आकर मैं देख लेता हूँ। ये है मेरा लिंक और यहाँ से मैं इसी लिंक पर क्लिक करता हूँ और इस लिंक पर क्लिक करते ही ये आपका यहाँ पर ओपन हो गया। तो अब ये एक मिनट ले रहा है, अभी ये एक मिनट ले रहा है, तब तक हम वेट कर लेते हैं या फिर हम क्या करते हैं एक मिनट के लिए डिज़ाइन, वो जो उसमें डिज़ाइन करना हो अगर आपको, तो आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं यहाँ पे। पूरा डिज़ाइन करना चाहें, आइकन चेंज करना चाहेंगे, यहाँ पे आपका पैकेज नेम है, पैकेज नेम चेंज करना चाहेंगे वो कर सकते हैं, प्ले स्टोर डालने के लिए ये वर्जन नेम चेंज करना चाहेंगे, यहाँ पर नोटिफिकेशन डालना चाहेंगे, हाँ यो आप नोटिफिकेशन भी आप इसमें डाल सकते हैं, भेज सकते हैं। यहाँ पर जनरल स्टोर, यहाँ पर पूरा नाम वगैरह देंगे, यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, ऐप शेयर करना चाहेंगे आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप प्ले स्टोर में डले या ना डले उसके बावजूद भी आप इसको ऐप का यूज कर सकते हैं, इस लिंक के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जब आपका प्ले स्टोर में डल जाए तो सबसे पहले आप ये ऐप चेंज कर दीजिए, यहाँ पे जो लिंक है उसको चेंज कर दीजिए, यानी प्ले स्टोर का वो लिंक डाल दीजिए, ठीक है। इंस्टॉल करने से पहले कोई मैसेज ओपन करना चाहेंगे तो आप दिखाना चाहेंगे तो आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे ऐप की रेटिंग है, इस तरह से डिजाइनिंग है, इस तरह कलर कोई चेंजेस करना चाहे वो कर सकते हैं आप। यहाँ पे फॉन्ट चेंज करना चाहे फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मेन्यू बनाना हो आपको, जिस टाइप की मेन्यू बनाना, टॉप मेन्यू बनाना हो या फिर यहाँ पे टेबल मेन्यू बनाना हो या फिर कोई मेन्यू ही नहीं बनाना है, ठीक है। तो इस तरह का डिजाइन कर सकते हैं। आइकन आप मॉडिफिकेशन करना जो कर सकते हैं, टॉप बार ऊपर में टॉप बार में इस तरह का आइकन आएगा वो चीज आप लगा सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज अगर आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, जूम लगाना चाहें लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद इसमें बहुत सारे ऐड कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं आप कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, अगर ऐड करना चाहेंगे आपके ऊपर है। कोई नया ऑफर देना चाहते ऑफर की पूरी लिस्ट दे सकते हैं आप यहाँ पे, ऑप्शन देना चाहते हैं ऑप्शन दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि आप शुमार नहीं कर सकते। आप अगर ऑनलाइन स्टोर भी खोलना चाहेंगे तो आप खोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ साथ आपको अगर अर्निंग करना हो तो आप अर्निंग भी कर सकते हैं, ऐड लगा सकते हैं, फेसबुक ऐड, बैनर ऐड, ये सारे ऐड भी आप इसमें लगा सकते हैं, जी हाँ। तो हम चलते हैं मोबाइल ऐप की तरफ और देखते हैं, हम अपना मोबाइल ऐप में देखते हैं जो किस तरीके से हमारा मोबाइल ऐप में ये ओपन हो रहा है और इस ये कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं ये डाउनलोड पर क्लिक किया, अभी ये मेरा ऐप डाउनलोड हो गया है। अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। अब देखिए किराना स्टोर के नाम से आ रहा है, ठीक है। अब मैंने इंस्टॉल भी कर लिया, अब मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे ये आपका लैंडिंग पेज है, ये यहाँ पे जो भी चीज़ रखना चाहे आप रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ऐप जो इस तरीके से रेडी हो गया, मैं इससे कुछ नहीं किया, तीन स्टेप में किया था, ये ऐप हमारे इस तरीके से रेडी हो गया। आप चाहते हैं कि ऊपर का कलर चेंज करना चाहते हो वो सारी चीज़ मैंने आपको दिखा दी, जो कहाँ से चेंज करना नहीं करना है वो सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो देखिए कितना खूबसूरत है और ये विदन जो है 5 मिनट के अंदर अंदर आपका ऐप बिल्कुल रेडी, विदन 5 मिनट के अंदर अंदर आपका ऐप बिल्कुल रेडी, जी हाँ आपने सही सुना। अब जैसे ये चीज़ें हैं, ये चीज़ हटाना चाहते हैं या नोटिफिकेशन नहीं रखना चाहते हैं, शेयर की चीज़ें नहीं रखना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे सिंपल ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाइए मेन्यू टाइप इसमें टाइप में जाइए और उसको विदाउट मेन्यू कर दीजिए, यानी जो आपकी वेबसाइट जो जिस तरीके से दिख रहा है सेम वही डिज़ाइन सेम वही चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाए, चाहे किसी भी टाइप की वेबसाइट ले लीजिए। मैंने ये तो आपको एक टेम्पलेट दिया था कि इसका आपको दिखाने के लिए ओपन कार्ड का, बट ये वेबसाइट है, आप इस तरह की वेबसाइट भी आप ले सकते हैं, जिस तरह का आपको वो वेबसाइट दिखेगा सेम उसी तरह का आपको यहाँ पे भी वो ऐप दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐप भी उसी तरह का दिखेगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने ऐप जो है चेंज कर दिया है, वहाँ पे मैंने विदाउट मेन्यू कर दिया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा ऐप किस तरीके से दिख रहा है। तो देखिए अब ये ऐप जो है बिल्कुल वही दिखेगा जो आपकी वेबसाइट की लुक लाइक है। अब वेबसाइट जिस तरीके से ओपन होता है सेम उसी तरीके से ओपन होगा। आप यहाँ पे ब्राउजर में
ओपन कर लीजिए और यहाँ पे ओपन कर लीजिए, आपको सेम इस तरह से दिखेगा। अब आप ये देखिए, और यहाँ पे जैसे मैं ये क्लिक कर रहा हूँ तो ये इस तरह दिख रहा है, यानी आपका जो ब्राउज़र में जिस तरह का सेम वही चीज़ है, सब कुछ है, कोई चेंजेस नहीं है, ये लैंग्वेजेस हैं, ये सब कुछ है यहाँ पे, वो सब कुछ वही चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्च बार है, कितना खूबसूरत सा सर्च बार इस मोबाइल में आ रहा है। तो ये थीम का कमाल है कि ये जो थीम यूज़ किया गया, वो थीम की वजह से ये इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा प्रोडक्ट्स दिख रहा है। आप किसी भी कैटेगरी में क्लिक कर सकते हैं, किसी कैटेगरी में क्लिक करके आप देख सकते हैं या सर्च कर सकते हैं, सर्च करके जा सकते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब कुछ आप इजीली कर सकते हैं। मैंने आपको ये दिखाया, तो आप अपनी वेबसाइट का भी इस तरह से खूबसूरत से एक एप्लीकेशन बना के आप अपना प्ले स्टोर में डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्ले स्टोर में डालने के लिए कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट हो, या इस तरह से किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होता है, आपको ऐप बनाने की रिक्वायरमेंट, ऐप को डिज़ाइन करने की रिक्वायरमेंट, अगर आपको नहीं पता किस तरह से डिज़ाइन करेंगे नहीं करेंगे, तो आप बिल्कुल हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमसे ऐप बनवा सकते हैं। जी हाँ, ठीक है, फिर मिलते हैं हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़।